हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, तो चलिए देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर में, और इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पशु है दुगोंग, जो कि ये है दुगोंग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय आता है कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो मुख्यतः बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तमिल और तेलुगु। यहाँ जो जनजाति निवास करती है उसमें से जो जनजाति का नाम है वो है जरावा, शैम्पेन और सेटिनलेस। जो जरावा जनजाति है उनको एक खास अधिकार क्षेत्र में रखा जाता है। ये तीनों जनजातियों के लिए जो स्थान है वो आरक्षित करके रखा गया है। ये एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं कि यहाँ की जनजातियों का नाम क्या है। और जो अंडमान शब्द है वो मलय भाषा के शब्द हंदुमान से आया है, जो कि हिंदू देवता हनुमान का परिवर्तित रूप है, और निकोबार का अर्थ है नग्न लोगों की भूमि। आगे देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 द्वीप समूह से मिलकर बना है, एक है अंडमान और दूसरा है निकोबार। तो नॉर्थ में है अंडमान और साउथ में है निकोबार। और जो ये अंडमान निकोबार है, अंडमान जो है और निकोबार जो है आपस में एक दूसरे को 10 डिग्री चैनल द्वारा सेपरेट करते हैं। ये चैनल क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे काल्पनिक विभाजक रेखाएं जो ग्लोब पर खींची गई हैं, वो क्या करता है, वो दो भूभागों को या दो देशों को आपस में अलग करता है। ये काल्पनिक रेखाएं होती है जिन्हें हम चैनल या पास कहते हैं। जैसे जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। ये हमने लक्षद्वीप वाले वीडियो में पढ़ा था, मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का एक आइलैंड है। तो 8 डिग्री चैनल जो है, मालदीव एक देश है, उसको मिनिकॉय से अलग करता है। इसको हम शॉर्टकट में मामी के नाम से याद रख सकते हैं 8 डिग्री चैनल को। मा मीन्स मालदीव एंड मी मीन्स मिनिकॉय। और जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप अपने ही आइलैंड मिनिकॉय को सेपरेटेड रखता है 9 डिग्री चैनल से। और जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये हम उसके डिवीजन में देखेंगे कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ऐसा नहीं पूछा जाता एग्जाम में आजकल कि अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल सेपरेट करता है, ये उसके कैटेगरीज के बारे में आजकल पूछा जा रहा है, तो ये हम आगे देखेंगे। अंडमान को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हुआ नॉर्थ अंडमान, ये हुआ मिडिल अंडमान, ये हुआ साउथ अंडमान और ये हुआ लिटिल अंडमान। निकोबार को हम 3 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। ये है कार निकोबार, ये है लिटिल निकोबार और ये है ग्रेट निकोबार। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो मुख्यतः यहाँ पे डिवाइड करता है एक दूसरे को। तो ये है लिटिल अंडमान और ये है कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? लिटिल अंडमान को और कार निकोबार को। तो यहाँ पर है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। तो सैडल पीक कहाँ स्थित है? वो स्थित है नॉर्थ अंडमान में। आगे देखते हैं मिडिल अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मिडिल अंडमान। नेक्स्ट है साउथ अंडमान। हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो स्थित है साउथ अंडमान में। और लिटिल अंडमान और ये है साउथ अंडमान, इन दोनों के बीच में एक पैसेज है जिसे कहते हैं डंकन पैसेज। और वैसे ही निकोबार को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार है वो इंडिया का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है और भारत का भी जो सबसे लास्ट पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। इस पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम भाग है वो है कन्याकुमारी, लेकिन वो मुख्य भूमि का भाग है। और सबसे जो दक्षिणतम भाग है, दक्षिणतम जो बिंदु है, वो स्थित है ग्रेट निकोबार में, जो कि है इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये स्थित है बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में, हिंद महासागर में ये स्थित है। और यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में देखा था लक्षद्वीप स्थित है, जो कि है अरब सागर में। और ये जो लक्षद्वीप है वो 36 आइलैंड से मिलकर बना था। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बना है 572 आइलैंड से मिलकर, जिनमें से केवल 30 द्वीप पर ही लोग रहते हैं। ये आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर नजर आ रही है, जो कि है साउथ अंडमान में। आगे देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें हमेशा लावा निकलते रहता है, जो कि है बैरन आइलैंड में। यहाँ उतरने की किसी को अनुमति नहीं है, जहाज से ही इसे देखना होता है। एक और ज्वालामुखी है जिसे हम कहते हैं नारकोंडम, लेकिन ये सुसुप्त अवस्था में है, मतलब ये सक्रिय नहीं है नारकोंडम। आगे देखते हैं, ये है सेलुलर जेल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आजकल आकर्षण का केंद्र बन गया है सेलुलर जेल। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को सबक सिखाने के लिए ये जेल बनाया। यह जेल अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसे काला पानी के नाम से जानते थे। यह जेल अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए 1906 में बनाया गया। 7 इमारतों की थी ये, 3 मंजिला थी। कारागार की दीवारों पर शहीदों के नाम लिखे गए हैं। अब यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, उसमें इतिहास चलचित्र द्वारा बताया जाता है। 1911 में शहीद वीर सावरकर को यहाँ लाया गया था, और अंग्रेजों द्वारा उन पर बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। उन सभी जो कैदी थे उन पर इतने अत्याचार किए जाते थे, जैसे कोड़े लगाना, कोल्हू चलाना, बंजर जमीन जोतवाना, और भी बहुत सारे कठिन काम, जैसे नारियल का तेल निकलना निकालना, रस्सी बनाना और उनको भोजन ना देना। यहाँ तक कि उन्हें काल कोठरी में रखा जाता था, जो कि बहुत ही बदबूदार होता था। वहाँ भी शौचालय भी नहीं होते थे, तो अनेक सारी यातनाएं उन्हें सहनी पड़ती थी। और ये जो लकड़ी की जो इमारत बनी है, इन्हीं जुल्मों की कहानी को अपने भीतर छुपाए हुए है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापानियों ने अंडमान पर कब्जा किया। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ के कैदियों से मुलाकात की, और देश में पहली बार पोर्ट ब्लेयर में ही तिरंगा फहराया गया। तो इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी की वजह से आज ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो आज ये भारत का हिस्सा है। इस सेलुलर जेल में एक बार में 3 लोगों को एक साथ फांसी दी जाती थी। एक बार क्या हुआ कि एक ही बार में 87 लोगों को फांसी दे दी गई, और उन्हें बाहर पेड़ में टांग दिया गया। और जितने भी कैदी थे उनको हमेशा ये दिखाया जाता था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इस तरह उन्हें काफी डराया जाता था। हिंद महासागर में बसा निर्मल व शांत अंडमान पर्यटकों के मन को असीम आनंद की अनुभूति कराता है, और भारत का ये बहुत ही लोकप्रिय द्वीप समूह है। अंडमान में साफ स्वच्छ सागर तट हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ देखने को मिलेंगी, पुराने खंडहर हैं, अनेक प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं यहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ विशेषतः दुर्लभ प्रजाति के पौधे देखने को मिलेंगे, विशेष प्रकार के जंतुओं और समुद्री जीवन की विविधता, और यहाँ पर हम सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। डॉल्फिन मछलियों के बीच तैरने का मजा ले सकते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर कछुए देखने को मिलेंगे, और लाखों टूरिस्ट यहाँ पर हर साल छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। बहुत सारे बटरफ्लाइज देखने को मिल जाएंगे, रंग बिरंगे, और सबसे बड़ा जो कछुआ है, सबसे बड़ा मगरमच्छ, सबसे बड़ा सांप यहीं आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ एक प्रकार का कोकोनट क्रैब देखने को मिलता है। ये कोकोनट क्रैब बहुत बड़ा होता है और ये नारियल खाता है, और जो नारियल का खोल होता है, जो कि बहुत हार्ड होता है, उसको भी ये तोड़कर नारियल खा लेता है। यहाँ पर जो है फिशिंग बैन है, मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मछली जो है अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा जीवन चक्र कंप्लीट करती है, जन्म से लेकर बुढ़ापा तक, क्योंकि यहाँ फिशिंग बैन है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो 20 रुपए के नोट के जो पीछे तरफ का जो जंगल है वो कौन सा जंगल है, तो वो अंडमान का ही जंगल है। और हाँ, अंडमान में आप कोरल्स का मज़ा ले सकते हैं। कोरल्स को आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट तली वाली जो नाव होती है उसमें बैठकर आप कोरल का मज़ा ले सकते हैं। स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग में क्या होते हैं कि हम पानी के अंदर चले जाते हैं अपने पीछे एक सिलेंडर लेकर, जो कि होती है ऑक्सीजन और हीलियम की, और हम समुद्र के अंदर जाकर मछलियों को ऐसे देख सकते हैं पास से और छू भी सकते हैं।
यहाँ पर एक महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क भी है जिसको बनाया गया है समुद्री जो जीवन है उसको सुरक्षित करने के लिए। ओके गाइस दैट्स इट। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर लीजिए और कमेंट करके भी हमें बताइए, और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।